Don't search for me, cause I'm going AWOL. In my heart there's a hole, yeah. And in my head there's a demon I can't take control. Up to too much, put myself in a room, just my six and myself, yeah. It's scary. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है कुणाल चंदर और आप देख रहे हैं राही व्लॉग। सो भैया, आज का सीन कुछ ऐसा है कि तुमको मेरा बैकग्राउंड देख के तो पता लग ही गया होगा कि मैं अपने पुराने घर में आया हूँ। तो पुराने घर का आने का सीन कुछ ऐसा था कि मेरे को साउंड कार्ड लगवाना था कैमरे में, तो मैं इस काम से यहाँ पर आ रहा था। आते आते एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ मैं तुम्हारे लिए लेके आया। वो क्या थी वो मैं तुमको दिखाता हूँ अभी 2 मिनट के अंदर अंदर, पहले उसके बारे में बता दूँ। तो एक्चुअली तुमको पता है, बहुत टाइम से मतलब हमने बहुत सारी राइडें कर ली हैं अपनी बाइक से, जो हमारी कैफे रेसर है, लेकिन अभी तक हमको टायर नहीं मिला था। टायर हमने डलवाया नहीं था, बट अब टायर की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो हमने अभी ले लिया एक टायर, मतलब मैंने कल शाम को टायर एक ले लिया था करोल बाग से, अच्छा देख के बढ़िया। उसका आज रिव्यू भी करेंगे और अपनी बाइक में इंस्टॉल भी कराएंगे। तो मैं साथ के साथ वो टायर अपने साथ लेता आया, अब लेके तो आ गया हूँ। और ये है वो टायर, अभी हमने इसको अनरैप भी नहीं किया और ये भीग भी गया है क्योंकि मैं इसको बाइक पे रख के लाया हूँ ना। तो ऐसा वो सीन है, घर का देख लो। रेनकोट मैं पहन के आया था, ये रहा इसका पजामा, और ये कुछ सीन चल रहा था घर का। अभी मैंने इनको बोल दिया मैं आ रहा है, एक बार मैं घर दिखा देता हूँ। पहले तो यहाँ पर देख लो, ये देखो पूरा पानी पड़ा है, और इधर से मयंक भाई साहब एंट्री ले रहे हैं पानी की बोतल के साथ। और अंदर का कुछ ऐसा सीन है कि ये देखो, ये वाला जो हमारा अंदर वाला रूम है ना, इसको हम पूरा सामान के साथ भर के चले गए। बाकी हमने पूरा घर ऊपर से नीचे तक खाली कर रखा है, बिल्कुल खाली है, क्योंकि हमने सेल करने के लिए लगा रखा है, बट अभी तक सेल हुआ नहीं है। तो बस अभी वो प्रोसेस चल रहा है पूरा। टायर मैंने तुमको ये दिखा दिया जो मैं लेके आया हूँ, मैंने इसको रैप खुद करा है क्योंकि मुझे अनरैप मिला था, मतलब कि वहाँ तो तुमको पता है दुकानों वगैरह में ऐसे रखे होते हैं। तो मैंने इसको घर पे ला के रैप मेरे पास पड़ा था, बढ़िया से रैप कर दिया था ताकि मैं इसे अच्छे से ले जाऊँ और तुम्हारे सामने अनबॉक्स कर सकूँ। तो भाई अब करने वाले हम इसकी अनबॉक्सिंग और थोड़ा सा इसका करने वाले हैं रिव्यू, मतलब कि हमने टायर कितने का लिया, कैसा लिया, क्या साइज लिया, क्या साइज हमारी बाइक को पहले लगा हुआ था और क्या अब लगेगा। तो एक बार इसको देख लेते हैं खोल के कि टायर का लुक कैसा है। मैंने तो क्या देख लिया दिमाग में क्या आपको ऊपर, तो इसको खोल के देख लेते हैं एक बार, जो इतनी मेहनत से मैंने रैप किया। टायर की पहली जगह देख लो कितनी मस्त है, एकदम चिकना टायर है भाई, मतलब अब जो अगली राइड होने वाली है ना। तो भाई ये कुछ अपना टायर है देख लो, इसका जो साइज है वो है 11980, ठीक है। इस फोन अपने 18 का टायर है, और अभी जो हमारी बाइक के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड है वो 90/18 का नहीं है, वो 90/18 का टायर है। अब जो लास्ट में इसमें 18 आता है ना, जिसे हम 18 बोलते हैं, वो 18 होता है हमारे रिम का साइज, मतलब अभी जो ये वाला साइज है वो हमारे रिम का साइज है, ये उसमें वो इंस्टॉल होगा। मतलब इसके अंदर 90/90/17 इंस्टॉल नहीं हो सकता, वैसे 90/90/17 इससे चौड़ा टायर होता है पर हमारी बाइक में इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि उसका रिम 18 इंच का है। तो हमने ये टायर जो है TVS का टायर है, ये हमें पड़ा 1800 रुपये का। इस टायर का जो एक्चुअल नाम है वो है बीमर, मतलब इसका जो टायर है वो बीमर है, TVS का टायर है, और इसकी मेरे को मिली है 3 साल की वारंटी। 3 साल का ना फटता है फटता है, तो मैं इसको वहाँ जाके सीधे से चेंज करा सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी सारी डिटेल दे दूँगा, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं, टायर बहुत बढ़िया है। तो अब चलते हैं इसको लगवाने के लिए और वहाँ के शॉट आपको दिखाते हैं कैसे लगते हैं कैसे नहीं लगते हैं। तो लगाने के बाद अभी जो हमारी बाइक की लुक है वो मैं तुमको दिखाता हूँ कैसी है, कितनी पतली सी लगती है मतलब पीछे से, पर अब हम ये लगा लेंगे तो बाइक का लुक तो कुछ और ही होने वाला है जैसे कि तुम जानते ही हो। तो चलते हैं अभी इसको इंस्टॉल कराते हैं, फिर दिखाते हैं आपको अगला लुक, तब तक के लिए रुको थोड़ा। In the room, just my six and my
तो भाई वीडियो बनाने के लिए ना इतनी मेहनत करनी पड़ती है, देख लो हम नीचे से ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे आए हैं कि बारिश तो हो ही रही है, देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ का, तो बारिश में आपको अच्छे शॉट्स दिखा सकें। तो अब हमने शॉट आपने सिनेमेटिक शॉट इन्जॉय कर लिए होंगे बहुत बढ़िया से, तो अब चलते हैं एक बार इसको इंस्टॉल करा लेते हैं, फिर आपको अगली लुक देते हैं कि बाइक की लुक कैसी लग रही है और हमारे टायर की लुक कैसी लग रही है। तो चलो चलते हैं। तो भाई अभी हमने टायर इंस्टॉल करा दिया है, उनको मैंने पिछले शॉट में सिनेमैटिक दिखा दिए, तो एक बार पास से आके देख लो टायर लगने के बाद कैसा लग रहा है। ये अपने टायर की कुछ लोग ये लगने के बाद, और जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया था कि जो टायर का जो साइज है, जो हमारे व्हील का साइज है वो है 18 इंच, मतलब और जो इससे हैवी बाइक होती है लाइक 150 cc बाइक जो होती है उनके अंदर 17 इंच का नहीं आता है। तो उसमें अगर हम ऐसा टायर लगाएं तो हमें 100 90 17 बोल के लेना पड़ेगा या 110 90 17 बोल के लेना पड़ेगा, पर इसमें हमारा टायर का रिम का साइज 18 है, 100 90 18, तो 18 हमारे रिम का साइज है, बाकी हमारे टायर का है। और ये TVS का टायर है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया TVS का जो टायर है ये इसका टाइप है बीबर, मैंने तुम्हें ये भी पहले बताया था, तो इसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा तुमको बताइए, तो वो तुम चेक कर लेना। और अभी आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि अब हम जयपुर राइड करने वाले हैं 21 तारीख को, तो उससे पहले जो कुछ वीडियोस आएंगे मॉडिफिकेशन के ऊपर आ सकती है, जो जो मैं इसके अंदर चेंजेस कराने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इसके टैंक के भी कुछ काम कराने के, वो टैंक वाला काम करूँगी, एक सरप्राइज है वो जयपुर से आने के बाद, मतलब नेक्स्ट मंथ ही बताएंगे कि वो हम क्या करने वाले हैं। ऐसे ही हमारा मेन टायर का काम था, टायर हमने फिलहाल चेंज करा लिया, फिर हम इसके अंदर और भी कुछ मतलब अलग अलग वो करने वाले हैं मॉडिफिकेशन, तो उन सब की वीडियो लगातार आती रहेगी। ये मॉडिफिकेशन के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनेगी, उसका पहला एपिसोड रहने वाला है ये वाला वीडियो जो हम अब अपलोड करेंगे टायर वाला, उसके बाद आगे जो जो मॉडिफिकेशन होती रहेगी वो आपको बिल्कुल दिखाते रहेंगे। तो बाइक का भी कुछ लोग ऐसा आ रहे हैं, लोग देख सकते हो, बाकी धीरे धीरे करते रहेंगे और आप लोगों को दिखाते रहेंगे। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then do share, like, comment.